हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौस्तुभ मम्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्या है बच्चों का फेवरेट स्नैक्स का रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी बच्चे बाहर के खाने का जिद करते हैं ना, चिप्स कुरकुरे, तो आप इस तरह का रेसिपी अगर एक बार उनको बना करके खिला देते हो ना, तो चिप्स कुरकुरे का कभी भी डिमांड नहीं करेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर ना एक प्लेट में एक प्याज, एक टमाटर और दो लाल मिर्च लिया है और बस 4 से 5 कली लहसुन का, तो इनका हम लोग बना लिया है यहाँ पर पेस्ट। तो बस आप लोग देख सकते हो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, तो एकदम स्मूथ इसका पेस्ट नहीं बनाना। आप लोग देख सकते हो लाल मिर्च आपको थोड़ा थोड़ा दिख रही होगी, तो बस ऐसा ही होना चाहिए ये मसाले का टेक्चर। और यहाँ पर ना डाल दिया था 1 चम्मच जितना सरसों का तेल। तो यहाँ पर इसके बाद तेल गर्म हो चुकी थी, तो डाल दिया है थोड़ी साबुत जीरे और यहाँ पर ये डाला है थोड़ा सा हींग। तो बस ये मसाले को जो हम लोग बना करके रेडी किए ना, प्याज, टमाटर, लहसुन और लाल मिर्च का, तो वही मसाला मैंने यहाँ पर डाल दिया और इसको बस ऑयल में हम लोग इस तरह से मिक्स करेंगे। तो इसमें पानी नहीं डालना है, बस मसाले को ही इस तरह से ऑयल में ही बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जस्ट कलर के लिए थोड़ा सा डाल दिया है हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा डाला लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अगर आप लोग स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि हम लोग दो लाल मिर्च को पीसे भी थे। और यहाँ पर बस टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला था नमक और बस मसाला का फ्लेवर एडजस्ट करने के लिए 1 पिंच जितना डाल दिया था चीनी। तो इन सभी को डालने के बाद ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिया है आटा, तो 1 कप मैंने लिया है आटा। तो आटा गेहूँ का आटा है और यहाँ पर गेहूं के आटा डालने के बाद ना बस थोड़ा सा क्रिस्पी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया है चावल का आटा, तो 1 चम्मच ही डाला है। और ये है बेसन, तो 1-1 चम्मच दोनों ही डाला है, तो 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच बेसन। तो इन सभी को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तो लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसको पकाएंगे मसाले में, ताकि मसाला का फ्लेवर ना आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उतना ही इसको पकाना है। तो इसका कलर एकदम चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसको पकाना है। तो बस यहाँ पर गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो बस ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया, तो ठंडा हो चुका था, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है एक बाउल में इसको। और यहाँ पर बस थोड़ा सा नमक डाला है, तो मैंने पहले भी नमक डाला था तो मेरे को थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने यहाँ पर भी वापस से डाल दिया नमक। और यहाँ पर मैंने लिया 1 आलू, तो ये कटा हुआ आलू है और बस आलू उबाल करके रख लिया था, तो इसको हम लोग ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से हाथों से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप लोग मैश करना चाहते हो ना, तो आप लोग मैश भी कर सकते हो। मैंने इस तरह से इसको ग्रीस कर लिया था आलू को। तो ये देखिए आलू हमारी ग्रीस हो चुकी है और मैंने यहाँ पर बस थोड़ा सा डाला है कसूरी मेथी, तो बस और यहाँ पर कुछ नहीं डालना है। तो आलू में ऑलरेडी मॉइस्चर होती है, तो पहले ना हम लोग अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे आटा में, पहले ही हम लोग पानी नहीं डालेंगे। तो देख सकते हैं आलू को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसके बाद बस थोड़ा सा पानी डाल करके हम लोग इसका एक डोर तैयार कर लेंगे, तो एकदम सॉफ्ट साइज का हम लोग डोर तैयार कर लेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम लोग डोर तैयार करके रख लेंगे। तो बस फ्रेंड्स, हमारी डोर ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, तो हम लोग इसको रख लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे ना, बस हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा करके वापस से डोर को मैंने चिकना कर लिया था, तो बस इसको रखते हैं साइड में। और इसको हम लोग क्या करेंगे ना, अब लेंगे थोड़ा सा आटा और इसको हम लोग इस तरह से गोल करेंगे हाथों से। तो बस हाथों से प्रेस करते हुए इसको हम लोग गोल कर लेंगे और बस थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको हम लोग एक चपाती की तरह बेल लेंगे। तो बस मैंने हाथों से थोड़ा सा पहले प्रेस कर लिया था और बेलन से इसको बेल लिया था। अगर आप लोग ऑयल लगा के नहीं बेल सकते हो, तो बस थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके इसको बेल सकते हो। तो बस मैंने इसको इस तरह से बेल लिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मैंने इसको बेल लिया और हम लोग अब क्या करेंगे ना, काट देंगे चाकू से। तो बस इसका हम लोग हमको 4 कोना चाहिए इसका, तो बस इस तरह से चारों तरफ से काट देंगे।
तो ये चारकोना हो जाएगी। तो ये देखिए बस ये साइड का हम लोग हटा देंगे और इस तरह से इसको हम लोग, तो ये लीजिए चारकोना हमारी हो चुकी है। तो अब हम लोग वापस इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीच से इस तरह से कट किया था। और इस तरह से हम लोग इसको ना ट्राई एंगल देंगे से, तो इस तरह से हम लोग इसको कट करते जाएंगे। तो एक बार इस तरफ से कट करेंगे, वापस इस तरफ से कट करेंगे ना, तो बस हमारी ट्राई एंगल बन जाएगी। तो इसी तरह से मैंने सभी में लगा लिया था कट। तो आप देख सकते हो सभी में मैंने कट लगा लिया है। अब ये फूले ना, इसलिए हम लोग इसको फॉर्क से इसमें छेद कर देंगे ताकि ये फूले ना। तो सभी में मैंने इसी तरह से इसको छेद कर लिया था। तो बस सारी स्नैक्स में मैंने इसमें छेद कर लिया था। तो इसको हम लोग डाल लेंगे एक प्लेट में। तो बस इसी तरह से सारे स्नैक्स को मैंने कट कर लिया था और यहाँ पर डाल दिया ऑयल गर्म होने के लिए। तो ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है, तो बस हम लोग अपना स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे। तो बस सारे स्नैक्स डाल देंगे। अगर आप लोग एक एक डालना चाहते हो ऑयल में तो एक एक भी डाल सकते हो, या एक बार में सारा डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपस में नहीं चिपकेगी, ये ऑयल गर्म ऑयल में जाने के बाद ना ये अपने आप ही अलग हो जाएगी। तो बस मैंने डाल दिया था इसमें जितना आया था उतना। तो हम लोग इसको एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो डालते इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये चिपक जाएगी। बस थोड़ा सा इसको चला देना है, हिला डुला देना है ताकि ये चिपके ना। तो आप लोग देख सकते हो बस इसको पलटाते पलटाते हुए एकदम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। ऐसा नहीं कि हम लोग आलू इसमें डाले थे तो ये क्रिस्पी नहीं हुई थी, नहीं, क्योंकि हम लोग एक चम्मच डाले थे ना चावल का आटा, इसी से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हुई थी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो स्पेशली ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है इस तरह का स्नैक्स। तो बस इसी तरह से मैंने सारे स्नैक्स को फ्राई कर लिया था और डाल लिया था एक प्लेट में। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्लेट में डाल करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मैंने ये इसको फ्राई कर लिया एक स्नैक्स को, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हुई थी। तो आप लोगों को तोड़ के यहाँ दिखा रही, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थी। तो हम लोग ना इसमें एक मसाला डालेंगे। तो इसको मैंने साइड में रखा और यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट लिया, इसमें डाला है थोड़ी एक चम्मच जितना चाट मसाला। तो ये छोटा चम्मच है, तो छोटा चम्मच से मैंने डाला चाट मसाला। और ये फ्रेंड्स मैगी मसाला। तो बस जितना लिया है ना चाट मसाला उतना ही लेंगे मैगी मसाला। तो बस इनको डालने के बाद थोड़ा सा डाल देंगे ब्लैक सॉल्ट। तो अगर आप लोग ज़्यादा नमक ज़्यादा पसंद करते तो थोड़ा सा सफेद नमक भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो बस इन तीनों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें इस स्नैक्स में इसको ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी, बिल्कुल पैकेट वाला जो आता है ना फूड, तो बिल्कुल वैसा ही लगा था। तो इस तरह का नाचोस आप लोग बना सकते हो और इसको ना स्टोर करके महीनों रख सकते हो। तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर में डाल करके रख सकते हो, तो ये बिल्कुल नहीं खराब होती है और एकदम क्रिसमस बनी रहती है। तो आप लोग कोई जार में रखते हो तो बस महीने स्टोर करके रख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर करना, और आप लोग चैनल पर नहीं आते तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देना ताकि मेरी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।